Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point Online Classes. मैं देवेंद्र सिंह आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे कोरोना जैसी महामारी से एवं लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का आप तय दिल से पालन कर रहे होंगे. इसके अलावा शुरू करते हैं आज का विषय जो कि हमारा काइंड ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर है. इस विषय को गहराई से समझाते हुए पहले हम ये जानेंगे कि जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनको दो कैटेगरीज या दो शाखाओं में बांटा जाता है. पहला जिसे बोला जाता है क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. काइंड ऑफ सेंटेंसेस को अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल एक व्यक्ति के तौर पे. किसी भी व्यक्ति को जब परखा जाता है कि वो किस प्रकार का है तो उसके ऊपर दो चीजें निर्भर करती हैं. एक अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, किस तरह का है वो, अच्छा है या बुरा है, उसकी क्या क्या खूबियां हैं, जिसको अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आकृति के अनुसार गूंगा है, बहरा है, अंधा है इत्यादि, इस आधार पे आप किसी व्यक्ति को पहचान सकते हो. बिल्कुल यही रणनीति अपनानी पड़ती है हमें कब वाक्य के प्रकार को समझने के लिए. जैसे अब तक आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, जो क्वालिटी या खूबी होती है उसके अनुसार आपने वाक्यों को जाना है, समझा है छोटी कक्षाओं में जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं. सबसे पहले जो क्वालिटी के आधार पे वाक्य होता है उसमें खूबी को दिखाया जाता है, विशेषता के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमने सबसे पहले, आपने भी पढ़ा होगा बच्चों ने, assertive sentences आते हैं. assertive sentences वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी चीज की घोषणा की जाती है और उन घोषणाओं में आप अपने मन से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते. जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है द स्टार ट्विंकल इन द स्काई, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते. और ये एक assertive सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें डिक्लेयर किया गया है, एक चीज को बताया गया है, तो ये आपका assertive सेंटेंस हो जाता है. लेकिन assertive सेंटेंस या किसी भी प्रकार के वाक्य की दो नीतियां होती हैं जिनको affirmative बोला जाता है. affirmative का क्या मतलब हुआ, जिसमें बोलने वाले की जो बात होती है पॉजिटिव सेंस में, इसमें हो पॉजिटिव सेंस में. जैसे अगर इसको हम एफर्मेटिव को समझे, राम इज डूइंग वर्क. अगर आप इस वाक्य को ध्यान से समझें तो इसमें एसरेटिव थिंकिंग है, बंदे की पॉजिटिव थिंकिंग है, क्या राम इज डूइंग वर्क. अब मैंने इस वाक्य को लिखा है आपके सामने जानबूझकर, क्योंकि ये वाक्य जो है ये टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि इसमें डूइंग का कभी भी प्रयोग नहीं होता, बल्कि क्या होना चाहिए, राम इज वर्किंग. राम जो है वो कार्य कर रहा है. तो एक चीज तो हमने ये जानी कि डूइंग और वर्किंग में क्या अंतर होता है. डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो निरंतर कार्य है उसके लिए वर्किंग का प्रयोग किया जाता है. जैसे आप बैंक में जाओ तो वर्किंग आवर बोला जाता है, ना कि डूइंग वर्किंग आवर बोला जाता है. इस बात को समझने से आगे बढ़ते हुए आप इस बात पे गौर कीजिए, राम इज वर्किंग, राम कार्य कर रहा है, ये उसकी सकारात्मक सोच है, ठीक है भाई, इज वर्किंग. ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ. पहली बात तो आपने इसमें डिक्लेयर कर दिया कि राम नाम का लड़का किसी काम को कर रहा है. ओके, अब ये डिक्लेयर जो किया है ये आपने कैसा है, पॉजिटिव है कि भाई अच्छा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, अच्छी बात है. लेकिन ये नेगेटिव कब होगा, जब इसमें अगर आप जोड़ दो राम इज नॉट वर्किंग. तो ये जो है आपका assertive सेंटेंस का पहला प्रकार affirmative. पहली बात तो हम ये जाने assertive सेंटेंस क्या हुए, इसमें हम किसी वाक्य में किसी कार्य की घोषणा करें. Is that clear? वह घोषणा जो है दो रूप में हो सकती है,
दैट मे बी पॉजिटिव, सकारात्मक रूप में, जैसे आपके सामने था राम इज वर्किंग, विवेक राम कार्य कर रहा है, यह आपका एफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव, राम जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एफर्मेटिव। और ये दोनों प्रकार हो गए किसके, एसर्टिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर। अब इसी चीज को आगे लेते हुए अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, तो ये क्वालिटी बताएगी, ये क्वालिटी बताएगी कि कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है, अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी नेगेटिव क्वालिटी है। तो क्वालिटी के आधार पे हमने एक वाक्य का प्रकार समझा। इससे आगे चलते हुए जो अगला प्रकार आया जिसको इंटरोगेटिव बोला जाता है, पहली बात तो ये इंटरोगेटिव वर्ड जो है, ये वर्ड कहां से उत्पन्न हुआ है, इंटरोगेशन से, इंटरोगेशन। अब इंटरोगेशन वर्ड कहां से आया है, इंटरोगेशन को अगर आप सही मायने में समझें, इंटरोगेशन वर्ड जो होता है वो उत्पत्ति होता है कहां से, पुलिस से। किससे, पुलिस से। आप सबने जाना होगा पुलिस। लेकिन पहले बात बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सबको पता होना चाहिए कि पुलिस होती क्या है। पुलिस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, पुलिस का एक संपूर्ण अर्थ होता है। जैसे पी स्टैंड्स फॉर पोलाइट, ओ स्टैंड्स फॉर ओबीडिएंट, एल फॉर लीगल, आई फॉर इंटेलिजेंट, C for grateful और E for effective। ये होती है पुलिस की परिभाषा। मींस पुलिस शुड बी पोलाइट। पुलिस को कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सबसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। पुलिस को ऑबिडेंट होना चाहिए, आज्ञाकारी, जहां पे कर्मचारी की ड्यूटी लगी वहीं पे कार्य करना चाहिए, सीनियर्स का आदेश मानना चाहिए। लेकिन पुलिस का जो कार्य हो वो कानूनी रूप में होना चाहिए, अपने मनमानी नहीं चलनी चाहिए। इंटेलिजेंस, पुलिस को हमेशा समझदार होना चाहिए, न कि बुद्धू होना चाहिए, अपने दिमाग से, विवेक से नतीजे या फैसले लेने चाहिए। इसके अलावा पुलिस जो है वो क्रिएटफुल होना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप अधिकारी से निर्णय नहीं ले पाते, अधिकारी से पूछ नहीं पाते, उस समय पे सृजनात्मकता होनी चाहिए, आप में खुद के निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। पुलिस शुड बी इफेक्टेबल, पुलिस ऐसी होनी चाहिए जैसे मिलिट्री पर्सन से लोग इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, वैसे ही पुलिस को इफेक्टेबल या प्रभावशाली होना चाहिए। और जब पुलिस किसी मामले को पूछताछ करती है, प्रश्न पूछ के, तो उसको नाम दिया जाता है किसका, इंटरोगेशन का। और इस इंटरोगेशन से ही वर्ड बना है क्या, आपका इंटरोगेटिव। इट मींस इंटरोगेटिव जो है वो वाक्य होते हैं जिनमें हम दूसरों से प्रश्न पूछते हैं। अब आपको जब मैंने पंचुएशन का टॉपिक करवाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें हमने एक पंचुएशन की थी जिसको साइन ऑफ इंटरोगेशन बोला जाता था। साइन ऑफ इंटरोगेशन में हमने ये समझा था कि ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जिसमें दूसरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, या व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, when, where, which, how, etc. अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं तो उन सेंटेंसेस के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है और उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब रहा सेकेंड के बाद में आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आप दूसरों से रिक्वेस्ट करते हो, दूसरों को कमांड देते हो, दूसरों को आदेश देते हो, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, गो एंड क्लोज द डोर। इट मींस यू आर ऑर्डरिंग, आप क्या कर रहे हो, उस चीज का आदेश
दे रहे हो तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, इससे आगे चलते हुए आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमने पंचुएशन की थी उस टॉपिक में, पंचुएशन वाले में, उसमें लास्ट पंचुएशन जो थी जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता था, उस पंचुएशन में हमने ये समझा था कि जो वाक्य होते हैं सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशंस, कि भाई ऐसे वाक्य जिनमें हम तुरंत के भावों को प्रकट करते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, हुरे इंडिया वॉन द मैच। सीधी सी बात है, मैच जब होता है तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, विक्ट्री या डिफीट, या तो आप हारोगे या जीतोगे। तो हुरे का क्या सिंबल हुआ कि खुशी है, किससे पता चल रहा है जी, वॉन से। और खुशी की भावना कैसी हुई, तुरंत की हुई, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला गया या विस्मय आदिबोधक वाक्य बोला गया। इससे आगे चलते हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, बस एक बारीकी अंतर होता है। व्हेन यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स, जब आप किसी को ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हो, कॉर्स, कॉर्स आप सबको मालूम है क्या होता है, अभिशाप, सॉरी ये कौर लिखा हुआ है, कौर नहीं कॉर्स, कॉर्स का मतलब होता है श्राप, जैसे महाभारत में होता था तथास्तु बोलते थे, उसको श्राप बोला जाता है। विश, इच्छा जाहिर करते हो या किसी वाक्य में प्रार्थना इत्यादि प्रकट करते हो तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, तो इट मींस आप खुश होगे अंदर से, सोल से उसको अपने ब्लेसिंग या आशीर्वाद दे रहे हो, जिसके कारण ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहां पर आते हुए हम समझ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार के हुए, पांच प्रकार के। अब रही हमारी दूसरी बात अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की बात करते हुए आपके लिए बहुत सरल है कि हम इनको पांच कैटेगरियों में नहीं बांटते, हम इनको केवल तीन कैटेगरियों में बांटते हैं आकृति के हिसाब से। जैसे एक लड़का, उस लड़के के बड़े होने के बाद जो एक लड़का था वो कहलाया सिंपल व्यक्ति या साधारण व्यक्ति, ठीक है। उस लड़के का विवाह हुआ वही कहलाया एक छोटा परिवार, और उस लड़के के बच्चे इत्यादि पोते पड़पोते हुए तो वही परिवार मिश्रित फैमिली कहलाया या न्यूक्लियर फैमिली कहलाया। तो ऐसे ही आपके वाक्य होते हैं जिसमें पहला सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर के आधार पे आता है, जिसको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है, सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। सिंपल सेंटेंस के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब या सॉरी वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब और चौथा पंचुएशन। आप इसी चीज को अगर हम यूटिलाइज करें हिंदी में, सॉरी एक चीज रह गई आपकी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपकी पंचुएशन, यानी कि पांच उंगलियों की आवश्यकता पड़ती है हमें एक सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य के लिए। इसको आप करोगे सब्जेक्ट तो सिंपल सेंटेंस आपका हिंदी में क्या कहलाया, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, कर्ता, क्रिया, कर्म और अंत में पंच विषय। पंच विषय तो कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता हमें पता है क्या होता है, काम करने वाला, क्रिया कैसे काम किया, कर्म क्या काम उसने किया और अंत में पंच विषय। और इसमें सब्जेक्ट
व्हाट वर्क इज डन, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर डू डज, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो सकती है जो टेंस के टॉपिक में हम करेंगे आगे चल के। ऑब्जेक्ट जो काम, मेन वर्ब वो होगी जो वाक्य के बाद में बारे में हमें मूलभूत बताती है, जो टेंस के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है। जैसे इंडेफिनेट का होगा तो मेन वर्ब के साथ आप एसएएस का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूस का होता है तो उसमें आईएनजी करते हैं, परफेक्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसको आप डिटेल में टेंस के टॉपिक में समझेंगे। ऑब्जेक्ट किस चीज के विषय में कार्य किया गया, ठीक है। और लास्ट में पंचुएशन, पंचुएशन को हमने समझा था कि पंचुएशन वे चिन्ह होते हैं या वे टोकन्स होते हैं जिनका प्रयोग व्याकरणिक अशुद्धियों को सुधारने के लिए किया जाता है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो राम स्कूल जाता है, यह आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता है, राम स्कूल जाता है, क्योंकि इसमें ये चारों चीजें दी हुई हैं जिनका आप सिंपल सेंटेंस के तौर पे प्रयोग, सिंपल सेंटेंस के तौर पे उल्लेख कर रहे हो कि भाई राम क्या हो गया, करता, काम को करने वाला है, ठीक है। क्रिया क्या होगी, जाता, कर्म क्या हुआ उसका, स्कूल, और पंचुएशन आपकी पूर्ण विराम, जिसके कारण ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है। और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, इसको एनालाइज करें तो आपको ये समझ में आएगा राम गोज टू स्कूल, जाता है से आपको पता चला ये आपका सिंपल सेंटेंस था प्रेजेंट इन डेफिनेट में, जिसके कारण आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का प्रयोग किया। टू, एक स्थान का उल्लेख कर रहे थे आप, किसका, स्कूल का, जिसके लिए आपने प्रीपोजिशन टू लगाए, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है स्कूल, ठीक है। इस तरह से आपने समझा सिंपल सेंटेंस को। आगे चलते हुए जो सिंपल सेंटेंस के बाद आपका टॉपिक आता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसको संयुक्त वाक्य को, संयुक्त वाक्य को, और संयुक्त वाक्य के लिए हमें समझना पड़ेगा किसको, कंजंक्शंस को। हमने ये समझा था कि कंजंक्शन आर द वर्ड्स, कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए, कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस टुगेदर, कि भाई दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और जब कंजंक्शन के द्वारा जिन वाक्यों का निर्माण होता है जो संयुक्त वाक्य कहलाता है, जैसे राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, ठीक है, तो राम वेंट टू स्कूल, और इसमें सीता स्कूल गई, ये बन गया आपका सीता वेंट टू स्कूल। और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर आपका बनेगा राम और सीता स्कूल गए, राम और सीता स्कूल गए, तो ये जो आपने दोनों वाक्यों को जोड़ा ये आपका संयुक्त वाक्य कहलाया। वैसे ही अगर आप इसको जोड़ो राम एंड सीता वेंट टू स्कूल, जब आपने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक में ये समझा कि जो दो वाक्यों को जोड़ा जाता है किसके द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, हिंदी में संयुक्त वाक्य कहलाता है। इससे आगे बढ़ते हुए जो तीसरा प्रकार आता है जिसको मिश्रित वाक्य बोला जाता है, मिश्रित वाक्य बोला जाता है,
मिश्रित वाक्य एवं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि हमने समझा कि दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा, लेकिन जब हम दो से अधिक राम सुनील पवन अनिल और पंकज स्कूल जाते हैं तो आप एक बात देखिए, इस वाक्य में हम एक दो तीन चार और पांच यानी कि दो से अधिक जोड़ रहे हैं। अगर आप ये करते राम और सुनील स्कूल जाते हैं तो आपका संयुक्त वाक्य होता, राम स्कूल जाता है वो आपका साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस होता। लेकिन आप जब दो से अधिक किसके द्वारा, पंचुएशन के द्वारा, आपने कॉमा पंचुएशन पढ़ा था जिसमें हमने पंचुएशन के टॉपिक में ये समझा था कि पंचुएशन जो होती है उसमें कॉमा पंचुएशन का प्रयोग दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब हमने इस पंचुएशन का प्रयोग दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ा तो राम कॉमा सुनील कॉमा अनिल कॉमा पवन और अंत वाला जो आया उसमें हमने कंजंक्शन का प्रयोग किया, जिसके कारण ये वाक्य कैसा कहलाया, आपका मिश्रित वाक्य। इसी को अगर हम हिंदी में समझें, सॉरी इंग्लिश में समझें, तो राम कॉमा सुनील पवन अनिल एंड पंकज गो टू स्कूल। इसमें भी वही बात है कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग, जैसे शुरू में तो हमने कॉमा पंचुएशन का प्रयोग किया और जो लास्ट वाला आया उसमें हमने कंजंक्शन का प्रयोग किया, ठीक है, और गो टू स्कूल। तो ये जो वाक्य बना ये वाक्य कैसा कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे आगे जो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित वाक्य होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो इस टॉपिक में हमने समराइज करते हुए ये समझा कि क्वालिटी के तौर पे आपके वाक्य के पांच प्रकार होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पे आपके वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आपको सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट एवं व्यू डालें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।